ओके, भाग पाँच की तरफ चलते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 206। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लें। 122 की तरफ चलते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है। इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करें आप इसको। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जो है इसका सही आंसर है NADPH2 और CO2 करेक्ट आंसर है, इसको करेक्ट कर लें आप। 124 है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो LPG के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वह यह है कि यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 125, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट करें। मकर रेखा है 23 सही 1/2 अंश साउथ डिग्री पे। ऑप्शन नंबर 3 को आप करेक्ट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हेंग में, इसको आप करेक्ट कर लें। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 128 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को, ये करेक्ट आंसर। 129 पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, अजमेर राजस्थान में किया जाता है, ये करेक्ट आंसर है। 4, निम्नलिखित में से परावैगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो परावैगनी किरणों में सबसे हानिकारक है अल्ट्रावायलेट सी। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करें। 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है कवक। 132, गिरसेर परियोजना अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, गुजरात में। 133, WWF से आशय है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लें मित्रों। 134, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट करें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण मापन से संबंधित है, आप इसको करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2 को। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं कि तिब्बत की सांगबो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र के नाम से। 138, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी इसके सबसे उच्च उपभोक्ता होते हैं। 139, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह है समताप मंडल, ये करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन नंबर 3 सही कर लें। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट है, इसको भी आप कर लें। 142 क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 143, एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। दूध से, क्वेश्चन नंबर 146, दूध से सही बनने की दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 147, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है USA, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 148, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 173 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। और फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। मित्रों, ये रहे आपके TET फर्स्ट पेपर के पूरे सॉल्यूशन। हम आशा करते हैं कि आपको सही अपने क्वेश्चन को चेक करने में और संतुष्टि प्राप्त करने में हम आपका कुछ मदद कर सके होंगे। ऐसे ही हम अब भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाओं का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं वो आप जो है हमारे चैनल पर आप
अपना डाल दें, उसको हम जो है समय समय पर आपका जो है निवारण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।